तो मतलब कैसे कैसे क्या हुआ आपके साथ अभी? सर यही हुआ, तीन गाड़ी आया एक्सरसाइज विभाग वाला, और मेरा भाई सोया हुआ था, न उतारी बेचता है न कोनो चीज करता है, घर में सोया हुआ था। ठीक है, हम लोग रोटी खा रहे थे और तीन गाड़ी आया, मेरे घर ढुक गया। वो ढुकने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, वो एक लड़का मेरा भाई था श्रवण कुमार, उसको हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठा लिया। तो आपके घर में मतलब बिना पूछे आ गए या पूछ गया? बिना पूछे आता है और बोला क्या जो बकरी का माई क्या घड़ी खैर मनाएगा, तुमको रात को पकड़ेंगे, तुम लोग कहाँ भाग के जाओगे? अगर हम लोगों को जीवन जीना नहीं देते हैं नीतीश बाबू, हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोगों को रोजी रोटी दे दे, हमको ये पेड़ और तारी या फारी हमको लिए अच्छा नहीं बुझा रहा है, हम लोगों को रोजगार दे दे, हम उनसे। वो जो आया होगा तो आपको कुछ बोला होगा ना? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, सीधे घर ढुक जाता है। आज से एक सप्ताह पहले मेरी बहन रक्षा बंधन में आई हुई थी और उसको पकड़ लिया, हम बोले बहन 10 रोज रहो, दुर्गा मेला देख कर जाना, उसको उठा लिया और बोला क्या जब 20-25 हजार रुपया है तो अब हम रास्ते छोड़ देंगे आ नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, तुम लोग तारी बेचता है नहीं दारू बेचता है। ऐसा बगल में मेरे और प्रशासन है, प्रशासन से पता लगावे जो मेघौल में शराब बिकता है पेठिया चौक पर। अगर आइए माँ आइए यहाँ पे और व्यक्ति उनसे हम बात दिखाते हैं क्या माहौल यहाँ पे है अभी नहीं है, ये लोग सड़क कब से जाम किए हुए नहीं जाम क्यों यहाँ के, हम और व्यक्ति से बात करके आपको हम दिखाते हैं। कैसे पकड़ के ले गया उनको? सुतल रहे सर घर। क्या नाम हुआ उनका? सरोज शर्मन कुमार। कब पकड़ के ले गया? अभी तुरंत। जैसे वो आया कुछ पूछा होगा कि रैक पर कुछ नही फिकीर सुतल रहे कोच पर पहले उनका माइय हाथ पकड़ने रहे हिनकर कलखनी हमारी घर नहीं छिक तब हिनका छोड़ दल का आ वो लड़का सुतल रहे पढ़े वाला विद्यार्थी लड़का और आप पकड़ के ले गए। आप लोग मना नहीं किए? हाँ बहुत कुछ किए तो लेकिन नहीं माने नहीं माने। कुछ बोला होगा ना तारी बेच रहे हैं कि दारू बेच रहे हैं? कुछ नहीं बोले, सीधे पकड़ कर ले गए हैं। और कुछ लेवो किया? लिया है रुपया ले लिया है, वो घर में रुपया रहे रुपया ले लिया है। कितना रुपया लगभग? 10 हजार रुपया रहे ले लेते हैं। हाँ रुपया ले, हाँ रुपया ले, हमार रीना देवी। आप लोग मतलब कब तक जाम कीजिएगा सर? जब तक उन्हें छूट के तब तक जाम रहते। यहाँ के नागरिक से हम बात किया और उनसे बात करने के बाद पता चला जब तक जो बेकसूर आदमी को पकड़ के ले गया उनको जब तक नहीं छोड़ा जाएगा ये लोग सड़क जाम नहीं करेंगे। आपको हम बता दें ये SH-55 बेगूसराय से रोसरा पथ जाने का रास्ता है और ये मेघौल पेठिया का सीन अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ लगातार बने रहिए, धन्यवाद। के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल जहां इमरजेंसी सुविधा ICU HDU OT डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH-31 सुशील नगर बेगूसराय।